हेलो गाइस वेलकम टू द चैनल डी जयनी आज का ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ द डे है देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो ग्राम ऑफ अ पॉलीबेसिक यहां पर एसिड दिया हुआ है बोलता क्या है कि इसका मोलिकुलर वेट जो है यहां पर आपको दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड है बोलता है कि ये हंड्रेड एम एल ओ एम बाई सोल्यूशन का इसको जरूरत पड़ता है फॉर न्यूट्रलाइजेशन तो बोलता है इस क्वेश्चन में बेसिसिटी ऑफ द एसिड बताइए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्या है ये क्वेश्चन क्या है तो ये क्वेश्चन है एसिड तो बेस यहां पर अगर देखा जाए तो एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है ये क्या है एसिड बेस टाइट्रेशन अब देखिए टाइट्रेशन का जो क्वेश्चन होता है इसके अंदर कुछ नहीं होता है बहुत ही सिंपल जो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे ये सॉल्व होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे ये जो है ना आपका टॉपिक सॉल्व होता है तो ये टॉपिक का क्वेश्चन इस वाले लॉ पे आपको सॉल्व करना होता है अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस अब ग्राम इक्विवेलेंट दोनों का बराबर कहां से होता है तो ये आपको पता है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्वेलेंट से ऐसा करने को हमको इजाजत मिलता है तो अगर हम दोनों को अगर बराबर करते हैं तो अब जरा समझिए क्या होगा यहाँ पे क्या देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या यहाँ पर एसिड लेना है देखिए किसी का भी ग्राम इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालते हैं तो ग्राम इक्वल इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है मोल इनटू में हो जाता है फैक्टर एन से यहां मोल लिखा गया है एन फैक्टर यहाँ पे एन डॉट एफ लिखा गया तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स फैक्टर और दूसरा ग्राम निकालने का तरीका है नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम से ठीक है और यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्यों चूंकि यहाँ पर देखिए नॉर्मैलिटी और मतलब इसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मैलिटी में और आपका मोलारिटी में क्या होता है तो मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में आपको एन फैक्टर का यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो अगर एन फैक्टरिटी तो और मोलारिटी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एन एच ये लिखे? ये लिखे का एन फैक्टर कितना होता है वन होता है क्योंकि बेस है जितना ओ एच देगा वही इसका एन फैक्टर कहलाएगा तो ये यह मेरा यहाँ से पूरा पूरा कॉन्सेप्ट होता है अब इसको समझिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर मोल कैसे निकलेगा मोलर मास दिया हुआ है सिक्स हंड्रेड अच्छा बेसिसिटी इसका एन फैक्टर क्योंकि एसिड का जो एन फैक्टर होता है उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं अच्छा यहाँ पे लिखेंगे कितना बताइए मोलारिटी वन बाई सिक्स है एन फैक्टर तो वन है जैसा कि आपको बताया गया और यहाँ पे लिख देंगे हंड्रेड चूंकि ये एम में है तो लीटर में लेके जाना होता है तो हंड्रेड और बटा में क्या करेंगे बाई यहाँ पे वन थाउजेंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो बेसिसिटी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा फाइव तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कुछ नहीं था लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपको समझना यह है कि यहाँ पर एसिड और बेस के ग्राम इक्वेंट को बराबर करेंगे ग्राम इक्वियन निकालने का यहाँ दो फॉर्मूला हमने लगाया कौन सा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर एक फॉर्मूला दूसरा नॉर्मैलिटी इंटू वॉल्यूम नॉर्मैलिटी और मोलिटी में वैल्यू सेम हो जाएगा अगर वहां पर एन फैक्टर वन है तो जैसा कि एनओ होता है एसिड का एन फैक्टर क्या कहलाता है बेसिसिटी जो कि निकालना है बेस का एन फैक्टर क्या कहलाता है वो उसका OH जितना देता है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं वही उसका एन फैक्टर कहलाता है

जी शाला द लर्निंग ऐप के नाम से ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे आपको मिलेगा वहां से आप डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर बहुत सारे जो डिफरेंट जो यूजफुल रिसोर्सेज है लाइव क्लास है टेस्ट सीरीज है इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कीजिए सो so, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट